चुनावी दौर में एक और राजनेता के जीवन पर फिल्म आने वाली है। जनसंघ के वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन रही है। दीनदयाल एक युग पुरुष नाम की यह फिल्म उपाध्याय की यंग लाइफ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी को तो दिखाएगी ही, साथ ही उनकी मृत्यु के रहस्य को भी उजागर करेगी। दीनदयाल उपाध्याय की मुख्य भूमिका पानसिंह तोमर, डीडे फेम इमरान हशनी और उनके युवावस्था के दिनों की भूमिका निखिल पिटले ने निभाई है। फिल्म में दीनदयाल के मुंह बोली बहन लता खन्ना की भूमिका अनीता राज और प्रमुख रोल एडिटर का रोल दीपिका चिखलिया ने निभाया है। यह फिल्म इलेक्शन के दौरान रिलीज होगी। फिल्म के लेखक धीरज बताते हैं, शूटिंग दीनदयाल के जन्म स्थान मथुरा, इलाहाबाद, फूलपुर, बनारस में हुई है और कुछ भाग मुंबई में फिल्माया गया है। डबिंग का काम चल रहा है। स्टोरी पर रिसर्च के लिए 100 से अधिक किताबें पढ़ी हैं। दिल्ली स्थित दीनदयाल रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष महेश शर्मा से मिला, जिन्होंने दीनदयाल पर 13 से 14 किताबें लिखी हैं।